शादी होने पर दूल्हे राजा को घोड़ा बग्घी पर घुमाया जाता है, लेकिन सागर जिले के जयसिंहनगर से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पहली बार के मतदान करने जा रहे युवा घोड़ा बग्घी पर सवार होकर गांव में निकले और इसके बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे। घोड़ा बग्घी पर युवाओं को आते देख अधिकारी कर्मचारी से लेकर गाँव के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद सभी बारी बारी से नीचे उतरे, मतदान केंद्र के अंदर पहुँचे, लाइन में लगकर आईडी कार्ड दिखाया और वोट डाला। अब इन युवाओं की इसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के चुनाव में सागर संसदीय क्षेत्र में मतदान किया जा रहा है। मतदान को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ बुजुर्ग भी खूब वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। नाम है आपका? रवि जयकुमार। पहली बार वोट डाल रहे हैं जी? कैसे विचार आया कि बग्घी में जाएंगे वोट डालने? नहीं, हम लोगों का पहली बार विचार आया कि युवाओं में अच्छा उत्साह है इस बार हम लोगों में, तो हम लोगों ने सोचा कि शादी विवाह का वो चल रहा है, बग्घी में सब जाते हैं, हम लोग सोच रहे हैं इस बार हम लोग बग्घी में जाएंगे अच्छा हर्षोल्लास के साथ। मतदाताओं से क्या अपील है? मतदाताओं से यही अपील है कि घर से निकलें, धूप का वगैरह का परवाह ना करें, अपना मत जरूरी है डालना, इसलिए जरूर जाएं मतदान। अनिकेत प्रजापति। क्या मतदाताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने मतदान का प्रयोग करें और अपने सब काम छोड़ के सबसे पहले वोट देने जाएं। बग्घी का कैसे विचार है? बग्घी का क्योंकि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ अलग से जाएं। गुड़िया, आज आप मतदान करने आई हैं, कैसा लग रहा है पहली बार वोट करेंगे? क्या कहेंगी? क्या नाम है? करीम जी। कहाँ से आई? दूसरों के लिए क्या आपका संदेश है? मतदान को लेकर क्या कहेंगे, दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए? सबको मतदान करना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए। ठीक, वोट देना चाहिए सबके लिए। धन्यवाद।